हेलो पिला माने, एही वीडियो रे आमे भग्नांश अर्थात फ्रैक्शन रो तुलना करिबार किछि मजादार उदाहरण देखिबा। बब्बन तार खेतरे 12टी कखारु मंजी लगाइथिला। किछि दिन परे सेथिरु चारा बाहरिबा देखा गला। बब्बन बहुत खुशी हेगला। एबे बब्बन भाबिला जेतेबेले सेथिरे 12टी कखारु हेबो सेथिरु एक चतुर्थांश बा 1/4 बड़ दादांकु देव। से कखारुर बहुत स्वादिष्ट हालुआ करंती। पिला माने कौन तुम्हें कही पारिब कि बब्बन तार दादांकु केतोटी कखारु देव? एक चतुर्थांशरे आमको संपूर्ण बा होल कु 4टी समान भागरे बांटिबाकु हेबो। एठारे आम पाखरे समुदाय 12टी कखारु रहिछि, तेणु आम पाखरे संपूर्ण 12टी कखारु रहिछि। एहाकु 4टी समान भागरे बांटिबा। जदि आमे 12टी कखारु 4 समान भागरे बांट करिबा, तेबे प्रति भागरे केतोटी कखारु आसिब? बिल्कुल ठीक, 3टी कखारु। एबे आमे एक चतुर्थांश बा 1/4 भाग बाहर करिबा पाई कौन करिबा? एही 4 समान भागरु गोटिए भाग बाहर करिबा। एही परी 12टी कखारु एक चतुर्थांश अर्थात 1/4 भाग हेउछि 3टी कखारु। बब्बन दादांकु 3टी कखारु देबो। एबे बब्बन भाबुछि जे 12टी कखारु कु 2/3 बा 2/3 करि चंदाकु देबो, कारण से तार बेस्ट फ्रेंड। कौन तुम्हें कही पारिब कि जे बब्बन दादांकु अधिक कखारु देबो ना चंदाकु? तुम्हें वीडियो को पॉज करी एहार उत्तर खोजी पारिब। सबास पिला माने, तुम्हें एहार बिल्कुल सठिक उत्तर खोजी छ। प्रथमे आमे चंदा को मिलुथिबा कखारुर संख्या खोजिबा। 12टी कखारु 2/3 अर्थात 2/3 करिबा पाई आमकु 12टी कखारु कु 3टी समान भागरे बांटिबाकु हेबो। एही परी प्रति भागरे 4टी कखारु आसिबो। एबे 2/3 बाहर करिबा पाई आमकु एही 3टी समान भागरु 2टी भाग बाहर करिबाकु हबो। एही परी 12टी कखारु 2/3 हेउछि 8टी कखारु। बब्बन दादांकु 12टी कखारुर 1/4 बा 1/4 अर्थात 3टी कखारु ओ चंदाकु 12टी कखारुरु 2/3 2/3 अर्थात 8टी कखारु देव। एही परी बब्बन चंदाकु अधिक कखारु देव। पिला माने, आमे अन्य शब्दरे कहि पारिबा जे 1/4 भग्नांश 2/3 भग्नांशरु छोट अटे। बब्बन एहा भाबी खुशी मनरे घरकु चलीगला। एबे से घरकु जाई भाबुछि जे तार क्षेत्रे 20टी गाजर लगाइब। जेतेबेले गाजर हेइजिब तेबे सेथिरु 2/5 से बन्नीकु ओ 1/2 अधा बा हाफ भाग गोलुकु उपहार भाबे देव। पिला माने, कौन तुम्हें कही पारिब कि जे बन्नीकु केतोटी गाजर मिलिब? कौन ताहा गोलुकु मिलिथिबा गाजर संख्यारु अधिक अटे? तुम्हें जदि चाह वीडियो को पॉज करी एहार उत्तर खोजि पारिब। सभास पिला माने, तुम्हें एहार बिल्कुल ठीक उत्तर देइछ। 20 गाजरर 2/5 भाग बाहर करिबा पाई आमकु 20 गाजरकु 5टी समान भागरे बांटिबाकु हेबो। एही परी प्रति भागरे 4टी गाजर रहिबो। एबे 2/5 भाग बाहर करिबा पाई एही 5टी समान भागरु 2टी भाग बाहर करिबाकु हेबो। एही परी 20टी गाजरर 2/5 हेइगला 8टी गाजर। बब्बन बन्नीकु 8टी गाजर देव। आसंतु देखिबा बब्बन गोलुकु केतोटी गाजर देव। 20टी गाजरर 1/2 अधा बा हाफ भाग बाहर करिबा पाई आमे एहाकु 2टी समान भागरे बांटिबाकु हब, एवं एहा परे एथिरु गोटिए भागकु बाहर करिबाकु हेबो। एही परी
କୋଡ଼ିଏଟି ଗାଜରର ଅଧା ଭାଗ ବା ହାଫ୍ ହେଇଗଲା ଦଶ। ବବନ ବନିକୁ ଆଠଟି ଗାଜର ଦେବ ଏବଂ ଗୋଲୁକୁ ଦଶଟି ଗାଜର। ଏଥିପାଇଁ ବନିକୁ ଗୋଲୁଠାରୁ କମ୍ ଗାଜର ମିଳିବ। ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଭଗ୍ନାଂଶ ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ। ଏହା ଭାବି ବବନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏବେ ବବନ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପନିପରିବା ବଜାରରେ ବିକିବ ତେବେ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ମିଳିବ। ସେଇ ପଇସାରୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ସେ ପଚିଶଟି ଲଡ଼ୁ କିଣିବ। ସେଇ ପଚିଶଟି ଲଡ଼ୁରୁ ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଅଂଶ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଖାଇଦେବ। କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ବବନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତୋଟି ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ? ତୁମେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଟେ। ପଚିଶଟି ଲଡ଼ୁର ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଅଂଶ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପଚିଶଟି ଲଡ଼ୁକୁ ପାଞ୍ଚଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ପ୍ରତି ଭାଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲଡ଼ୁ ରହିବ। ଏବେ ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରୁ ତିନୋଟି ଭାଗ ଅଲଗା କରିବା। ଏହିପରି ପଚିଶଟି ଲଡ଼ୁର ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ହେଉଛି ପନ୍ଦରଟି ଲଡ଼ୁ। ବବନ ଲଡ଼ୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଫ୍ରାକ୍ସନର ତୁଳନା କରିବାର କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲୁ।